हेलो प्यारे बाल को, आपने सुना ही होगा कि धरती पर जीवों का विकास जो है इवोल्यूशन से हुआ है। इवोल्यूशन मतलब क्रमिक विकास से हुआ है, मतलब एक जीव का परिवर्तन दूसरे जीव में होता गया। और आज धरती पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। और देखिए, इस सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि आखिर धरती पर जीवों का विकास इवोल्यूशन से हुआ है तो कैसे हुआ है। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से जैसे सबसे पहले जानते हैं कि जीवन कहाँ पर पनपा था, समुद्र में पनपा था बैक्टीरिया के रूप में। आज से कितना साल पहले, तो देखिए आज से आपका 1925 मिलियन साल पहले, फिर है कि 1500 मिलियन साल पहले। इस प्रकार देखिए कोशिका का निर्माण हो रहा है कहाँ पर, समुद्र के अंदर हो रहा है। सब जो प्रारंभिक जीवन का विकास है वो समुद्र के अंदर ही हुआ है। देखिए कैसे कैसे जीवन बना है सब, वहाँ टाइम भी लिखना है कि 550 मिलियन साल पहले। देखिए मछली फिर बना उसमें, अलग मछली नहीं है अभी, उससे भी पहले एक नया जीव बना है। अब लगता है कि मछली बन रहा है धीरे धीरे। जैसे माना जाता है कि जीवन का विकास समुद्र में ही हुआ था। देखिए अलग अलग फॉर्मेशन दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है कि जीव कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ आज। और आज अलग अलग धरती पर एक से अधिक प्रजातियाँ हैं जो कि आप देख ही रहे हैं। देखिए सब कैसे इवोल्यूशन से बना था, का मस्त डायग्राम बनाया है जिसने भी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। वही हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे देखिए आदमी धरती पर आया है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के हमको भी। हम तो पहले देख चुके हैं, सोचे कि आप लोग को भी दिखा दें कि आप लोग को भी मज़ा आए कैसे कैसे बना है भाई। देखने लगता है कि मगरमच्छ बन गया थे और तरीके जरा एक से एक जीव बन रहा है। ये सब धरती पर जिसे इवोल्यूशन के कारण हुआ है कि आज जीवन संभव है। आज एक से एक प्रजातियाँ है धरती पर, देखते जाइए बहुत मज़ा आएगा देख के। हमको देख के मज़ा आया था इसलिए आप लोग को दिखा रहे हैं, हमको मज़ा नहीं आता तो हम भी नहीं दिखाते। आप लोग देख रहे हैं इसमें कोई लगता है कि ज़मीन पर कहता है रह लेगी, हाँ ज़मीन पर लगता है कि रह ले गया है पानी में से निकल के, वो तरीके से डायनासोर बन गया है। देख रहे हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़का डायनासोर बन गया। ये तो अलग अलग जीव है बन रहा है भाई तरीके जरूर, ये तो गर्दा गर्दा है एकदम। सबके नाम भी लिख रहा है देखिए प्लीज, नामों बड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, होकर जितना टेढ़ा वो जीव है उतने टेढ़ा का नमो है। देखिए अलग अलग जीव कैसे बन रहा है। जिस धरती पर जीवन का विकास हुआ है इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन नहीं होता था आज धरती पर इतना जीव होता ही नहीं। एक जीव का दूसरे जीव में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम ही लोग के बारे में कहा जाता है कि हम लोग बंदर से बने हैं। देखिए कैसे बने हैं, हम लोग की पूँछ गायब हो गया भाई, चार पैर पता गए हैं, दो पैर पर हाथ पर खलियाना बाकी है, जैसे एकदम सीधा ये हुआ खड़ा। देखिए काम मस्त, हम ही लोग इन्हीं के अति हैं, वंशज हैं। पूरा धरती पर दिखाया जीवों का विकास, बहुत अच्छा लगा हमको देख के इसलिए आपको दिखा रहे हैं। आज हम लोग तो आधुनिक मानव बन चुके हैं अभी के समय में, बहुत मज़ा आता है देख के। ऐसे ही सब वीडियो देखना चाहिए विद्यार्थी लोग के, साइंस वाला कहाँ सिनेमा गाना देखते रहते हैं। चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर पर आ जाते हैं, जो हम लोग का मेन आज को टॉपिक पढ़ना है उस पर हम लोग के जानबे करते हैं। इवोल्यूशन पढ़ना है, इवोल्यूशन में हम लोग के पढ़ रहना है, उसके बारे में हम लोग अपना आते हैं। जो हम लोग का मेन टॉपिक है आज का वो सब है जीवाश्मों के बारे में पढ़ना है, जीवाश्म के प्रकार। आखिर आदमी को कैसे पता चला कि इवोल्यूशन से हुआ है। जैसे अभी भी धरती के अंदर बहुत सारा जीवाश्म मिलता है, खुदाई होता है तो जीवाश्म मिलता है। जैसे हम लोग धर्म ग्रंथों के बारे में, धर्म ग्रंथों में पढ़े हैं कि महाभारत काल में वो घटोचक था, घटोचक सुने हैं, भीम के पोता, बारबरिक के बेटा सुने हैं ना, नहीं भीम के पोता कह रहे हैं, भीम के, हाँ भीम के पोते हुए, भीम के पोता हुआ आपका बारबरिक होकर जन्म करते हैं। तो घटोचक जो है, नहीं घटोचक भीम के पुत्र था, हो हम वो गलती बोल रहे हैं, घटोचक भीम के पुत्र था, घटोचक के थी बेटा था बरबारिक, तो बरबारिक भीम के पोता हुआ, हम गड़बड़ा गए हैं बोले में ठीक ना। तो चलिए उसमें सुने होंगे कि घटोचक का जैसे बहुत बड़ा थी शरीर था, तो खुदाई से घटोचक का कंकाल भी मिला है। तो वो जिसे हम लोग धर्म ग्रंथ में पढ़े हैं वो खुदाई के दौरान उसका मिला, तो स्पष्ट हो गया कि हाँ ऐसा कुछ था। तो उसी प्रकार से अलग अलग जीव के अवशेष मिलते हैं खुदाई के दौरान धरती पर, तो उससे पता चलता है कि हाँ इस प्रकार के जीव जो है एक समय में धरती पर रहता था, अभी जो है गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है। तो
तो आखिर उस सबके विकास कैसे हुआ, उसमें समानता वगैरह देखा जाता है, तो वही सब हम लोग पढ़ेंगे जीवाश्म की, कहाँ कहाँ जीवाश्म जो है मिलता है। देखिए जीवाश्म के प्रकार में हमको पहला पढ़ना है संपूर्ण परिरक्षीय जीव जीवाश्म। संपूर्ण परिरक्षीय जीवाश्म क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे कोई जीव धरती के अंदर या कहीं बर्फ में दब गया तो उसका अपघटन बैक्टीरिया वायरस के कारण नहीं होता, तो शरीर जैसे मर तो जाता है लेकिन जस के तस रहता है। जैसे कभी कभी सुनते होंगे कि सेना के जवान जैसे बर्फीला इलाका में है तो बर्फ में जैसे शरीर अचानक दब गया हिमस्खलन से, तो शरीर महीनों दिन तक ले 3-4 महीने तक ले जस के तस रहता है, सड़ता गलता नहीं है, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर में बैक्टीरिया वायरस भी उस पर नहीं लगता है। बैक्टीरिया वायरस बहुत कम टेम्परेचर में हावी नहीं होता है, जिसे देखते हैं ना जैसे खाना ऐसे आप खुला रख देते हैं तो बैक्टीरिया वायरस उसमें लगता है, खाना तुरंत में सड़ना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया वायरस लग करके। लेकिन वही खाना हम लोग फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं लगता है, बासी नहीं हो पाता, वो 2-3 दिन तक हम रख के 3-4 दिन बाद वो खा सकते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज में ऐसा क्या हो जाता है भाई, तो फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम होता है और बहुत कम टेम्परेचर में बैक्टीरिया वायरस पनपता नहीं, इसलिए खाना सुरक्षित रहता है। इसे खुला जगह में खाना रख दीजिएगा 4 से 5 घंटा में महके लगेगा, बास मारने लगेगा, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस उस पर एक्शन कर देता है। तो इसी कुछ ऐसे भी जीवाश्म है जो ऐसे जगह पर दब जाते हैं जहाँ पर उसका अपघटन नहीं हो पाता है, तो जस के तस रहता है, करोड़ों लाखों साल बाद भी जस के तस रहता है। तो वैसे जीवाश्म को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण परिरक्षणीय परिरक्षीय जीवाश्म कहते हैं। तो ये आपका क्या है कि इस प्रकार के जीव के जीवाश्म बर्फ या अंबर में ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है। कारण क्या है कि वहाँ बैक्टीरिया वायरस कोई पनपता ही नहीं है उतना कम टेम्परेचर में बर्फ में, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाता है और उसका शरीर जस के तस रह जाता है। करोड़ों लाखों साल बाद खुदाई होगा तो मिलेगा तो क्या तरीका, ऐसा का भी जीव था हो बताओ भाई, अभी तक लेकर सड़ा है ना शरीर न गला है जस के तस। सामान्यतः इसे खुला स्थान में छोड़ दीजिएगा तो कोई भी जीव का शरीर अपघटित हो जाता है, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया बहुत सारा वातावरण में है, हर जगह बैक्टीरिया वायरस है, जैसे आपका चेहरा पर भी है, हाथ में भी है, हर जगह बैक्टीरिया है। इसलिए कहते हैं कि खाना को खुला रखिएगा 3-4 घंटा बाद बास मरना शुरू कर देंगे। देखिए फिर ढांचा या सांचा जीवाश्म। ढांचा या सांचा जीवाश्म क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे जीव का शरीर तो सड़ गल जाता है लेकिन जो ओकर हड्डी होता है तो हड्डी का छाप जिए चट्टानों के ऊपर रह जाता है, तो ढांचा या सांचा जीवाश्म वही होता है जेकर खाली ढांचा रह जाता है, जैसे हड्डी रह गया शरीर गति हो गया, तो इनमें मूल शरीर का परिरक्षण नहीं हो पाता, यानी कि शरीर में जो मांस है वो गल सड़ गल के कहानी खत्म, खाली हड्डी बन गई बच गई, बल्कि उस प्रकार का केवल आकृति पाई जाती है। वही है कि जैसे शरीर के मांस सब गल गया और खाली हड्डी बच गया, तो वही आपका हो गया ढांचा जीवाश्म। जैसे करोड़ों लाख डायनासोर जैसे पाया जाता धरती पर, कोई देखा थोड़ी है आदमी, लेकिन फिर भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि धरती पर एक समय इतना साल पहले डायनासोर पाया जाता था कार्बन डेटिंग की सहायता से। तो कार्बन डेटिंग हम लोग इसी चैप्टर में आज पढ़ेंगे, तो कार्बन डेटिंग सहायता से हम लोग पता कर लेते हैं कि इतना करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर पाया जाता था। तो आदमी के कैसे पता चला भाई इतना करोड़ साल पहले, तो डायनासोर की हड्डी मिला जीवाश्म में, ओकरे से कार्बन डेटिंग से पता किया सर, तो पता चला कि इतना करोड़ साल पहले डायनासोर हुआ करता था, धरती पर एकरे राज था। तो ओकर ढांचा से पता चल गया आदमी के कार्बन डेटिंग से, क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कार्बन से बना होता है। फिर देखिए ठप्पा जीवाश्म। इस प्रकार के जीवाश्म में शरीर की संरचना छप जाती है, जो अभी बता रहे थे कि जो कंकाल होता है तो कंकाल के जो एथी होता है दाग चट्टान पर छप जाता है या मिट्टी में छप जाता है, तो उसी को ठप्पा कहते हैं। कैसे मोहर लगता है तो क्योंकि कठोर होता है हड्डी, तो संरचना सब ये तो इस प्रकार के जीवाश्म क्या होता है संरचना अपना छाप छोड़ जाता है। फिर देखिए पद चिन्हों का परीक्षण। पद चिन्हों का परीक्षण चट्टानों का प्रकार हम लोग को पढ़ना है। जैसे आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान जानते हैं कि जैसे जमीन में से जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा के ठंडे होकर ठोस हो जाने पर बनने वाले चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे देखते हैं ना कि जैसे कि ग्रेनाइट पत्थर है, पहाड़ी इलाका में जो ग्रेनाइट पत्थर मिलता है तो वो सब ग्रेनाइट पत्थर कहाँ से बना है, तो जैसे ज्वालामुखी, क्योंकि जानते हैं ना पृथ्वी के अंदर में लावा है, हवा वाला लावा नहीं भूजा वाला लावा, मैग्मा तैर रहा है, ज्वालामुखी जब फूटता है तो वही सब लावा बाहर आके जम जाता है तो ठोस अवस्था में हो जाता है, तो वही आपका क्या होता है अग्नि चट्टान बनता है, आग से बना हुआ चट्टान है, क्योंकि मैग्मा जो है 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है,
इतना ज्वलन शक्ति होता है उसका, बताइए उतना बढ़ियार तेती टेम्परेचर होता है पृथ्वी के अंदर, टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, और 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म लावा बाहर निकलता है, जेकर देह पर गिर गिरेगा तो गल के स्वाहा हो जाएगा। हम लोग के 100 डिग्री टेम्परेचर पर मांस पिघलने लगता है, शरीर का जो मांस है हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस पिघलना शुरू हो जाएगा। और नहीं विश्वास है ना तो गर्म पानी कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस और झूल के देखिए स्किन पर, पता चलेगा वो जाकर मसवे बह गया इतना, तो उतना 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं सा है वो, जैसे आदमी के हड्डियों ना पत्ता हो जाएगा। अब देखिए तलछट्टी चट्टान, तलछट्टी चट्टान क्या होता है, समुद्र के धरातल पर रेत कंकर इत्यादि तलछट के कड़ा होकर ठोस में बदलने पर इस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है। जैसे जाइएगा नदी के किनारे या देखिए समुद्र किनारे, तो वहाँ पर तलछट में जैसे ऊपर रेत कण धूल कण सब जमा हो जाता है तो ये चट्टान बन जाता है, उसी को तलछट्टी चट्टान कहते हैं। जैसे शेष कोयला चूना बलुआ पत्थर इसमें जीवाश्म की संख्या ज़्यादा होती है, तलछट्टी चट्टान में सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि कोई भी जीव मरता है तो ऊपर ही रहता है, धीरे धीरे उस पर मिट्टी धूल कण जमते चल जाता है तो धीरे धीरे नीचे चल जाता है। अब बहुत बड़ा जीवाश्म होता है तो उसका परिवर्तन धीरे धीरे ईंधन के रूप में हो जाता है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। बाद में चट्टानों में से रिश्ता है पेट्रोलियम, तो पानी के ऊपर छहला जाता है तो आदमी को पता चलता है कि जब पक्का कहीं ना कहीं पेट्रोलियम है, तो खुदाई करके निकाल लिया जाता है। समुंदर में जैसे बड़ा बड़ा जीव होता है जो मर जाता है, इसी पेंदी में जाकर बैठ जाता है, उसके ऊपर धूल कण सब बालू जम जाता है, फिर उसका परिवर्तन जीवाश्मों के द्वारा अपघटन से पेट्रोलियम बन जाता है, वही पेट्रोलियम जब रिश्ता है तो ऊपर आता है तो पता चलता है कि यह क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का जैसे वो पतला लेयर बन जाता है समुंदर में, तो अंदर रहने वाले जीव को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, तो कभी कभी पेट्रोलियम का सफाई भी होता है ताकि अंदर में जो जीव है सब सुरक्षित रहे, नहीं तो ऑक्सीजन के लेयर टूट जाएगा जब ऊपर पतला परत जमेगा तो इसके लिए बहुत व्यवस्था होता है। समुंदर के भी सफाई होता है, ठीक ना, इस प्रकार के जैसा होता था। रूपांतरित चट्टान, अग्नि एवं तलछट्टी चट्टान ऊष्मा दबाव और भार और भौतिक गति के कारण रूपांतरित हो जाता है, जिससे जो आपका अग्नि चट्टान है और तलछट्टी चट्टान है वो दाब ऊष्मा के कारण और भार के कारण वो धीरे धीरे अपना आकार क्या कर लेता है, बदलते जाता है, तो उसी को हम लोग कायांतरित चट्टान या क्या कहते हैं रूपांतरित, जैसे संगमरमर हो गया, सलेट हो गया, ये सब आपका रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की विधि, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की विधि जिसे आपका जनरली बहुत सारा है लेकिन इसमें हम लोग को 3 ही 4 विधि पढ़ना है। पहला है रेडियो एक्टिव कार्बन विधि, रेडियो एक्टिव कार्बन विधि जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग जनरली कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग करते हैं, कार्बन के 2 समस्थानिक आप पढ़े होंगे, एगो C12 एगो C14, तो इसमें कार्बन के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है C14 का। देखिए इस विधि की खोज WF Leiby ने 1949 में किया था। इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकृति में 2 प्रकार के कार्बन होते हैं, वो C12 और वो C14, जिसमें C14 रेडियो एक्टिव होता है, जो आपका कार्बन जो C14 है, कार्बन C14 रेडियो एक्टिव होता है, जिसका क्षय होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय होता है। जीव जंतु के नष्ट होने पर C12 की मात्रा बनी रहती है लेकिन C14 की मात्रा समय के साथ घटते रहता है, जिससे जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जैसे जीवाश्मों की आयु C12 द्वारा ज्ञात किया जाता है कि C14 द्वारा, C14 आपका क्या है, कार्बन डेटिंग इसको कहा जाता है, कार्बन द्वारा आयु ज्ञात किया जाता है। तो किसी भी जीव के शरीर में 2 प्रकार के आपके अथी होते हैं कार्बन होते हैं, एगो C12 C14, C12 जो है शरीर में स्थिर रहता है, C14 जो है रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ का धीरे धीरे क्षय होते रहता है, मात्रा घटते रहता है, उसी से पता कर लिया जाता है कि जीव कई 100 साल पहले या कई 1 करोड़ साल पहले मरा होगा। जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के कार्बन ही नहीं है, बहुत सारा पदार्थ है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, और भी है, लेकिन वो सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, यूरेनियम थोरियम पोलोनियम सब के बारे में। हम लोग के यहाँ जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की बात हो रही है, तो जीवाश्म की आयु हम लोग किसे ज्ञात करते हैं, कार्बन C14 पत्ती से ज्ञात करते हैं, क्योंकि C14 जो है रेडियो एक्टिव है और इसका क्षय धीरे धीरे होते रहे, जिस दिन से जीव मरता है ना उसी दिन से उसका शरीर से C14 का क्षय शुरू हो जाता है, तो उसी से पता कर लिया जाता है कि जो कितना साल पहले मरा है, कई 100 साल पहले मरा है। हालांकि बहुत अच्छा तकनीक है इसमें,
फिर देखिए यूरेनियम लेट विधि है, यूरेनियम लेट विधि है, इससे भी जीवाश्म की आयु ज्ञात किया जाता है। इस विधि का खोज बोल्ट वुड नामक वैज्ञानिक ने भूगर्भीय चट्टानों की आयु निर्धारण करने के लिए किया था। यूरेनियम सूक्ष्म मात्रा में चट्टानों के ऊपरी परत में पर पाया जाता है और विघटित होकर लेड का निर्माण करता है। तब एक चट्टान में पाया जाने वाला यूरेनियम तथा लेड की मात्रा ज्ञात करने करके चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है। देखिए यूरेनियम भी आपका एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यूरेनियम का जब विघटन शुरू होता है तो यूरेनियम अंतिम रूप से लेड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सीसा में परिवर्तित हो जाता है। तो उस चट्टान में यूरेनियम की मात्रा और सीसा के मात्रा के अनुपात से पता कर लिया जाता है कि जो चट्टान है कई सौ साल पहले या कई करोड़ साल पहले, जैसे हमारा कि पृथ्वी की एक चट्टान है तो पता, वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण जो है 4.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। पृथ्वी का निर्माण 4.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। पृथ्वी के पर जो चट्टान पाया जाता है उसको देख करके, तो कोई भी चट्टान होता है तो उसमें सीसा तभी बनता है जब यूरेनियम का परिवर्तन लेड के रूप में हो जाता है, यानी कि सीसा के रूप में हो जाता है, क्योंकि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जब उसका क्षय शुरू होता है तो यूरेनियम से थोरियम बनता है, थोरियम से फिर रेडियम बनता है, रेडियम से फिर रेडॉन बनता है, और रेडॉन से अंतिम रूप में वो लेड में परिवर्तित हो जाता है। तो जिसे लेड जो होता है स्थायी होता है लेड, तो यूरेनियम की मात्रा और लेड की मात्रा से पता कर लिया जाता है कि चट्टान कितना साल पहले बना है। तो देखिएगा, जैसे एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जैसे चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग किया जाता है कि कोई चट्टान कई सौ साल पुराना है, और जो जीवाश्म की आयु होता है, तो जीवाश्म की आयु मतलब कोई जीव था, जैसे पेड़ पौधा कोई दब गया है ज़मीन के अंदर, खुदाई में मिला पेड़ पौधा, तो कई सौ साल पहले दबा है या कई हज़ार साल पहले दबा है, तो वो सब के लिए C14 पद्धति है। और आपका चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड विधि है, क्योंकि यूरेनियम का विघटन होता है तो इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, लेड बनता है। फिर देखिए पोटेशियम आर्गन विधि। पोटेशियम आर्गन विधि क्या है कि जीव में लगभग 0.01% रेडियो एक्टिव पोटेशियम होता है जो विघटित होकर कैल्शियम आपका आर्गन और तरीकी तो गलती लिखा है कैल्शियम और आर्गन बनता है। तो जीवों के शरीर में आपका 0.01% रेडियो एक्टिव पोटेशियम होता है जिसका विघटन होने से कैल्शियम या आर्गन का निर्माण होता है, तो उससे भी पता कर लिया जाता है कि कई सौ साल पहले में जीव मरा है। हालांकि एक से एक अभी टेक्नोलॉजी है जिससे जीव का आयु ज्ञात किया जा सकता है कि कई सौ साल पहले मरा है, बहुत अच्छा भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आदमी के मार के आदमी दफना देता है, उनका लाश पते नहीं चलता है, लेकिन शक रहता है कि कहीं ना कहीं नहीं अगर लाश दफना वाले खुदाई उदाई मिल जाता है, मान ली कि 10 साल पहले बादे मिला तो पता किया जाता है कि जैसे केकर लाश है, परिवार लाश DNA मिलाया जाता है, मिल जाता है, पता चलता है कि फलने के लाश था, ठीक ना। तो इससे अच्छा भी है क्योंकि पता चल जाता है जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर, जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास, जैसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि घोड़ा का विकास कैसे हुआ है, किसके आधार पर, तो जीवाश्म के आधार पर। देखिए जीवाश्म विज्ञान के अनुसार घोड़े का उद्भव उत्तरी अमेरिका के मैदान में लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व, देखिए कितना लाख, 40 लाख वर्ष पूर्व सीनोजोइक काल में हुआ है। इसके पूर्वज इहोसिप से लोमड़ी के समान तथा लगभग 1 फुट ऊंचे थे, तथा उनके पैरों में 3-3 उंगलियां थी। फिर इनमें विकास के बाद यह भेड़ के आकार में विसोहिपस में परिवर्तित हो गया। इनमें बीच की अंगुलियां बड़ी थी, फिर विकसित होकर मेरी किप्पस घोड़े का विकास हुआ। इसके बाद पयालोहिपस घोड़े का निर्माण हुआ तथा अंत में आधुनिक घोड़े इक्कस का विकास हुआ जिनकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। देखिए ऐसे घोड़ा का विकास हुआ है क्योंकि धरती पर हर जीव का विकास इवोल्यूशन से हुआ है। एक जीव का दूसरे जीव में परिवर्तन होते चल गया, आज धरती पर बहुत सारे जीवों की प्रजातियाँ हैं। लेकिन ये आपको बताया ना कि प्रारंभिक जीव का विकास कहाँ हुआ था, समुंदर के अंदर हुआ था। तुलनात्मक कायिक तथा जैव रसायन, तुलनात्मक कायिक तथा जैव रसायन क्या है भाई, विभिन्न जीवों की
संरचना में समानता के अतिरिक्त उनके शरीर में होने वाली समानता तथा जैव रसायनों के अध्ययन में हमें जैव विकास का पता चलता है। जैसे विकास के दौरान जीवों के शरीर में अलग अलग प्रकार के रसायन बनता है, तो उन रसायनों के सहायता से भी पता कर लिया जाता है कि एक जीव का परिवर्तन दूसरे जीव में हुआ है। जैसे मान लीजिए दो केमिकल है, सेम ए दो केमिकल एक केमिकल है और दो अलग अलग जीवों में मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो दोनों जीव किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से क्या हो, लिंकेज हो, और देख का रूपांतरण दूसरा में हो गया होगा। समझ गए हैं? तो ऐसे भी हो सकता है। तो विभिन्न जीवों की संरचना समानता के अतिरिक्त उनके शरीर में होने वाली समानता और जैव रसायन, जैव रसायन मतलब जीव के शरीर में जो रासायनिक पदार्थ पाया जा रहा है, तो उससे उसके अध्ययन से भी जीव के विकास का पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो रसायन आदमी के शरीर में पाया जा रहा है, दम ए टू जेड रसायन किसी दूसरे जीव के शरीर में ही पाया गया, तो आदमी अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है कि आदमी का विकास इसी जीव से हुआ होगा, क्योंकि सारा रसायन जो केमिकल शरीर में है आदमी के, वही केमिकल जस के तस दूसरे जीव में पाया जा रहा है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब बहुत सारी विधियाँ हैं जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए ट्रिप्सिन है या प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटोजोआ से अस्थियों तक अधिकांश जंतुओं में होता है, यह एक प्रोटीन एंजाइम होता है। जैसे देखिए ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटोजोआ से अस्थियों तक अधिकांश जंतु में, मतलब हम लोग जैसे अस्थनीय जीव है ना, तो ये हम लोग में पाया जाता है, यही एंजाइम किस में पाया जाता है, आपका प्रोटोजोआ में भी होता है, ठीक ना। और ये आपका एक प्रोटीन एंजाइम है जो भोजन को पचाने काम करता है। ये आप लोग पता है कि हम लोग जो हैं मनुष्य, तो हम लोग के पेट में लगभग 1.5 किलो बैक्टीरिया है, जो हम लोग के आँत की दीवार है, पेट की दीवार है, उसमें लगभग 1.5 किलो बैक्टीरिया है जो हम लोग जो भी भोजन खाते हैं उसको पचाने का वो काम करता है। सब देखिए कभी कभी भूख लगता है तो पेटवा ममोड़ता है, पेट में हल्का हल्का दर्द हो जाता है, वो बैक्टीरिया कहता है कि हमारा खाना दो, हमारा पचाना है, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, तो वही पेट में दर्द होता है, एक आध दो घंटा नहीं दीजिएगा ना तो आराम से फिर सूझ जाता है सब। तो हम लोग कहते हैं कि भूख मर गल हो, एक घंटा नहीं खेलू था, तो सूझ जाता है सब, बेचारा मांगता है खाना कि हमारा खाना दो खाना दो खाना दो। तो हम लोग के पेट में बैक्टीरिया है, लगभग 1.5 किलो बैक्टीरिया है, इसका काम क्या है, भोजन पचाने का काम है, सब भोजन पचाने काम करता है सब। समझ गए हैं? खाना नहीं दीजिएगा तो सूझ जाता है सर, और गलती से सुबह सुबह चाय पी लिए ना तो सारा बैक्टीरिया सूझ जाता है सर, निष्क्रिय हो जाता है चाय पीते ही। तो हम लोग कहते हैं कि चाय पीने के बाद भूख मर जाता है, बिल्कुल सही बात है, चाय पीने के बाद भूख मर जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग के पेट में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो भोजन पचाने का काम करता है, आप चाय पिए वो सब सूख गया, बेहोश हो गया, अब बेचारा खाना मंगवे नहीं करेगा सर, आपको भूख का अनुभव होवे नहीं करेगा, इसलिए सुबह सुबह कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो पेट में बैक्टीरिया है भोजन पचाने वाला सब सूझ जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। चाय पीना शाम की पीजिए, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, खाना खाने से पहले शाम के समय, सुबह सुबह चाय पीना बड़ा खतरनाक होता है, बीमारी के घर हो जाएगा शरीर, कहते हैं जैसे अभी के समय में देख रहे हैं अधिकांश आदमी, कोई के शुगर है, कोई के बीपी है, मार कौन कौन तरह के बीमारी आदमी के कम उम्र में हो जा रहा है, बस एक आदत, सुबह में जो चाय पिए आदमी की आदत है उसी के कारण से, क्योंकि हम लोग के जो बैक्टीरिया है वो मांगता है खाना, हम लोग सुबह सुबह देते हैं चाय, चाय में होता है निकोटीन कैफीन, ये सब बेहोश हो जाता है बैक्टीरिया, लाइए स्वा हो गया, अब भूखे नहीं लगेगा, खेबा कहाँ, शरीर हो जाएगा कमज़ोर, बीमारी के घर हो जाएगा। सुबह में चाय कभी मत पीजिए, ठीक है ना। एमाइलेज के बारे में, यह कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। एमाइलेज क्या है, शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट है यानी कि चीनी, उसको पचाने का काम करता है, यह सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है, हम लोग भी पाया जाता है एमाइलेज, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इसको यही पचाता है, एमाइलेज ही पचाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। फिर है रुधिर की संरचना, रुधिर की संरचना मतलब ब्लड का जो बनावट है उसके आधार पर भी हम लोग जीवों में समानता पता कर सकते हैं। जैसे देखिए रुधिर की संरचना, सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर को संरचना समान होती है, रिचई एवं ब्राउन द्वारा हीमोग्लोबिन की संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य की हीमोग्लोबिन चिंपैंजी के हीमोग्लोबिन से बहुत अधिक मिलती जुलती है। जैसे ही सुने होंगे ना कि हम लोग का समानता सबसे ज़्यादा किससे है, तो चिंपैंजी से है, कैसे भाई, तो बहुत सारा उसमें कारण है, शरीर के संरचना, शरीर में पाया जाने वाला रसायन, ब्लड के संरचना, ये सब मिलाया गया, तो हम लोग के सबसे ज़्यादा संरचना किससे मिलता है, चिंपैंजी से मिलता है, हम लोग की हीमोग्लोबिन का जो संरचना है वो चिंपैंजी से मैच करता है, इसी कारण से कहा जाता है कि मनुष्य सबसे ज़्यादा समानता किस जीव से रखता है,
तो चिंपैंजी से रखता है। इसी कारण से तो हीमोग्लोबिन की संरचना के आधार पर पता चला है कि मनुष्य की हीमोग्लोबिन चिंपैंजी की हीमोग्लोबिन से बहुत अधिक मिलती जुलती है, किंतु बंदर की हीमोग्लोबिन से कम मिलती जुलती है। हम लोग के हीमोग्लोबिन बंदर से थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ओकरों से मैच करता है, लेकिन बहुत कम मैच करता है। सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? चिंपैंजी से। इससे यह पता चलता है कि मनुष्य और चिंपैंजी के पूर्वज एक ही थे। इससे ही पता चलता है कि हम लोग के जो पूर्वज हैं और चिंपैंजी के पूर्वज हैं, दोनों एक ही हैं। हम लोग आपस में भाई भाई हो गए, चिंपैंजी और मनुष्य। चिंपैंजी बड़ा चालाक जीव होता है, ठीक ना। सामान्य बंदर जो होता है वो सब के तुलना में बड़ा चालाक होता है सब, इसलिए उसको हल्का मत लीजिएगा। चिंपैंजी के मरबो करता है, पकड़ा दीजिएगा थपड़े थपड़े बंदरवन जैसे, क्योंकि हम लोग से समानता है, सब मौसेरा भाई हम लोग के। चलिए फिर है जैव विकास के सिद्धांत। अलग अलग वैज्ञानिक अपना समय में अपना अपना जैव विकास के सिद्धांत दिए हैं। देखिए इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है, तरीके सीधे से लिखाता है ना एकदम गलती, कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली पूर्वजों से भिन्न भिन्न जात भिन्न भिन्न हो जाती है, विभिन्न प्रकार के वातावरणीय प्रभाव के अनुरूप अपने आप को ढालती है, और इसी कारण से वह अपने आदि पूर्वजों से भिन्न हो जाती है, और इस तरह नई जातियों का विकास होता है। देखिए आपका जैव विकास के सिद्धांत कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि जैसे आप अपने बाबूजी के बेटा हैं, आप जैसे जाके अमेरिका में बस गए, तो अमेरिका के वातावरण तो ठंडा है, और मान लीजिए कि 3-4 पीढ़ी आप वैसे रह गए, तो पता चला कि सब अमेरिकन जैसे गोरा गोरा हो गया सब, तो फिर आपके माता ये मान लीजिए कि ऐजा आपके कुछ खानदान में आदमी होगा, एकरा से मैच नहीं कीजिएगा, तो ये किस कारण से आप में बदलाव हुआ? तो वातावरण के प्रभाव से। जैसे एक ही जाति के जीव अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उसके शारीरिक संरचना में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, जिससे वो मैच नहीं करता है। तो हम लोग कहते हैं कि नए प्रकार के प्राणी हो, नए प्रकार के जीव हो। तो ये आपके कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार सिद्ध होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, अलग अलग क्षेत्र में रहेगा तो सबके वातावरण अलग अलग है, पूर्वजों से भिन्न हो जाती है, विभिन्न प्रकार के वातावरणीय प्रभाव, क्योंकि सब जगह वातावरण एक समान नहीं है। जैसे भारत में है गर्मी गिरता है, ठंडा गिरता है, बरसात गिरता है, कनाडा में चल जाइए वो सालों भर ठंडे रहता है, रसिया में चल जाइए सालों भर ठंडे रहता है, वो जो 4-5 पीढ़ी तक ले रह लिए तो पूरा आपका जनरेशन ही बदल जाएगा, फिर अपने जनरेशन से नहीं मैच करिएगा, भारत में आइएगा तो अलग अलग वातावरण के प्रभाव से भी जीव के शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और इसी प्रकार से नई जातियों का विकास होता है धरती पर। यह आपका आधुनिक सिद्धांत है। फिर है लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद जानते हैं ना, लैमार्कवाद देखिए इसमें ये लैमार्क का जन्म 1 अगस्त 1774 को फ्रांस में हुआ था। उनका मानना था कि प्रत्येक प्रजाति का विकास उसके पहले के अस्तित्व वाली प्रजाति से हुआ है। उन्होंने अपने सिद्धांत एवं पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में प्रस्तुत किया है। लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान अकशेरुकी तथा कशेरुकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने सिद्धांत की 4 मूलभूत अवधारणा दी है। लैमार्कवाद क्या है, हम बारी बारी से इसको पढ़ाते हैं आपको, हालांकि बहुत अच्छा है इसका सिद्धांत है लैमार्क का, और देखिए आगे चल के इसका खंडन कैसे होता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ के। देखिए बड़ा होने की प्रवृत्ति, क्योंकि प्रत्येक जीव जो भी जन्म लेता है उसका अंग जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। इनका कहना था कि जीवधारुओं के शरीर में तथा उनके अंगों में बराबर होने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण जीव इस प्रकार बदलते हुए वातावरण में अपने आप को जीवित रख सके। जैसे देखिए जैसा वातावरण में रहिएगा आपके शरीर में वैसा परिवर्तन आएगा। जैसे अचानक जैसे हम लोग रह रहे हैं भारत में, यह गर्मी मौसम ठंडा सब में है, रसिया में अचानक चल गए वो ये सबसे ठंडा वाला दिन में -65 डिग्री टेम्परेचर होता है, और सबसे जो वजह गर्मी गिरता है वो दिन वजह -25 डिग्री टेम्परेचर होता है। हम लोग के यहाँ सबसे ठंडा में होता है 4-5 डिग्री, और ये सबसे ठंडा में -65 और सबसे गर्म दिन -20। यही जैसे हम लोग वजह चल गए हम लोग की बहुत दिक्कत हो जाएगा। या देखिएगा ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू के देह पर बहुत ज़्यादा बाल होता है, तो वातावरण के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए उसके शरीर में परिवर्तन हो जाता है, और शरीर अपने आप को वहाँ के अनुसार वातावरण के अनुसार अनुकूलित करना शुरू कर देता है, तो उसके अपना जाति से भिन्न हो जाता है। तो वही देखिए कह रहा है कि जीवधारियों के शरीर में तथा उनके अंगों में बराबर होने की प्रवृत्ति होती है। वो सब चाहता हर परिस्थिति में जिसे जीना चाहता है, बचाना चाहता है अपने आप को,
तो परिस्थिति के अनुसार शरीर में परिवर्तन हो जाता है, जीव के बदलते हुए वातावरण में अपने आप को जीवित रख सके। ये बदलाव क्यों आता है? ताकि जीव जो है बदलते हुए वातावरण में आपको अपने आप को जीवित रख सके। जैसे देखिएगा, हम लोग के शरीर पर जैसे भी बाल है, तो बाल किस लिए है? तो टेम्परेचर से बचाने के लिए। नहीं विश्वास है तो ठंडा के दिन आ रहा है, टकला हो जाएगा, पता चला कपार में बहुत ठंडा लग रहा है, तो नहीं बलवा रहता है मथवा में, नहीं तो कम ठंडा लगता है। हम लोग के तो वही बाहरी वातावरण के टेम्परेचर से बचाने के लिए शरीर पर बाल उगा है, ना कि ऐसे करके झाड़े लगी, ऐसे करके हिप्पी काट कटावे लगी, ठीक ना। अभी वो अलग बात है कि हम लोग अलग अलग डिजाइन में काट लेते हैं ऐसे, लेकिन शरीर में जो भी बाल है सब किस कारण के लिए है? सब आपको उगा हुआ है बाहरी टेम्परेचर से आपको बचाने के लिए, ताकि आपके ऊपर बाहरी टेम्परेचर का प्रभाव कम पड़े और आप जिंदा रह सकें। हम लोग एकरा किस लिए प्रयोग करते हैं? फैशन के लिए। चलिए उदाहरण के तौर पर देखिए, लैमार्क ने अपने सिद्धांत को जिराफ द्वारा समझाया है। उनके अनुसार जिराफ में अगली टांगे एवं गर्दन सामान्य थी, क्योंकि उस समय घास फूस एवं हरे मैदान में था। वातावरण में परिवर्तन के कारण जिराफ के पूर्वजों को वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी अगली टांगों और गर्दनों को ऊपर करना पड़ता था, जिसके फलस्वरूप टांगे बढ़ती गई और शरीर ऊंची होती गई तथा पीढ़ी दर पीढ़ी यह लक्षण वंशागत होते हुए एक दूसरा लक्षण में चला गया। जैसे इनका मानना था कि जिराफ के जो पूर्वज हैं वो सबके हाइट छोटा छोटा था, टांग भी है गर्दन भी, लेकिन वातावरण के में परिवर्तन होने के कारण जिसे जूसर के भोजन जब मैदानी इलाके में नहीं मिलना शुरू हुआ तो पेड़ पौधा पर से खाना शुरू कर दिया, से पत्ता होता इसे मुड़ी उठा उठा कैसे, तब तो अगला टांग इसे आदमी उठाया, जिराफ है गर्दन उठाया, तो उसी कारण से गर्दन जिराफ का लंबा हो गया, टांग भी अगला लंबा हो गया, इनका मानना है। और साथ ही इनका कहना है कि यही वाला लक्षण अगला जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। जैसे मान लीजिए कि इनका कहना है कि जैसे हम इसे संघर्ष करके लंबा हुआ ना, तो हमार जो अगला जनरेशन आएगा तो वो ऑटोमेटिक लंबा होगा, इनका कहना है। देखिएगा इनका आगे चल के कैसे खंडन होता है इनका नियम का, बहुत मज़ा आता है। इनका मानना था कि जिराफ जो है पहले मैदानी इलाके में घास फूस खाता था, फिर बाद में पेड़ पौधा पर मुड़ी उठा उठा खाए लगा, एक गर्दन और टांग दोनों का हो गया लंबा हो गया, और वही लक्षण अगला जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, तो ओकरो बाल बच्चा लंबा हो गया। फिर वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण जीवधारी वातावरण से सीधे प्रभावित होते हैं, और इस प्रभावों से शरीर की आकृति रंग स्वास्थ्य विकास सभी लक्षण प्रभावित होते हैं। इसमें कुछ अंगों का विकास अभी तथा कुछ अंगों का विकास बाद में होता है। जैसे हम लोग के शरीर का रंग, जैसे ठंडा के दिन आता है देखिएगा सब कोई की स्किन गोरा गोरा हो जाता है, क्योंकि धूप से दर्शन कम होता है। जब तक ले आपकी स्किन पर धूप नहीं पड़ेगा ना, तो स्किन में मेलानिन नहीं बनता है। हम मेलानिन बनता है हम लोग की स्किन में, तो स्किन काला हो जाता है। देखिए गर्मी के दिन में इसे हाफ शर्ट पहन के निकालिएगा ना, तो पता चला कि हेजा से में करी है अंदर में उज्जर, तो काहे भाई? तो कैसे कि धूप पड़ता है तो स्किन में हम लोग मेलानिन बनता है, और मेलानिन के कारण काला हो जाता है त्वचा। जहाँ धूप कम पड़ता है वहाँ के आदमी की स्किन में मेलानिन कब बनता है? कम बनता है तो वहाँ सब गोरा गोरा हो जाता है। जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वो जो आदमी गोरा गोरा क्यों है? तो कहिएगा कि वो सब गोरा गोरा होबे करता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, वहाँ पर धूप बहुत कम होता है। धूप बहुत कम होने के कारण जो हम लोग की त्वचा है उसमें मेलानिन का संश्लेषण नहीं होता है, और मेलानिन का संश्लेषण नहीं होने के कारण स्किन क्या होता है? गोरा गोरा होता है। आप ही साल भर धूप में मत निकलिए ना, आप कितना सांवला रहिएगा तो आपकी स्किन गोरा हो जाएगा, क्योंकि आप धूप में नहीं जाएगा तो स्किन में मेलानिन नहीं बनेगा, अब मेलानिन नहीं बनेगा तो आपका स्किन गोरा रहेगा। और ये सब वातावरण के प्रभाव से भी जीव में, बात सही है, जीव का सीधा प्रभाव, जीव के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है वातावरण के। तो कह रहा है कि जीवधारी वातावरण से सीधे प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार के प्रभाव में शरीर की आवृत्ति रंग स्वास्थ्य विकास सभी जो है प्रभावित होते हैं, और में कुछ अंगों का विकास अभी तथा कुछ अंगों का विकास बाद में होता है। तो वातावरण का प्रभाव प्रत्येक जीव पर सीधे पड़ता है, और उसी कारण के रंग स्वास्थ्य आकृति सब डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद है अंगों के उपयोग एवं अन्य उपयोग का प्रभाव। जैसे ही तो आप लोग जानते हैं कि जिस अंग का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं वो अंग धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी विलुप्त होते चल जाता है, और जिस अंग का प्रयोग करते हैं वो अंग जो है विकसित होता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी गायब नहीं होता है। तो कह रहा है कि वातावरणीय परिवर्तनों के कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है,
जिससे अधिक सक्रिय रहने वाले अंग विकसित होते चले जाते हैं और कम सक्रिय होने वाले अंग जो है अविकसित हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा सिद्धांत है। इसका कहना है कि जिस अंग का हम लोग प्रयोग करते हैं वो अंग और विकसित होते चल जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और जिस अंग का हम लोग प्रयोग कम करते हैं वो कम विकसित होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि दिमाग का विकास, दिमाग का उपयोग ज़्यादा कीजिए। दिमाग के उपयोग ज़्यादा कीजिएगा तो दिमाग का विकास होगा, नहीं तो पता चला कि अगला जनरेशन वाला बाल बच्चा सब बुद्धिहीन पैदा हुआ सर। ऐसे भी मनुष्य का जो दिमाग का साइज है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि हम लोग के माथा जो है एलियन जैसे बड़का बड़का माथा होगा, सबके बड़का बड़का माथा होगा। शरीर भले दिन पतला होगा लेकिन शरीर माथा सबके बड़का बड़का होगा, क्योंकि दिमाग का विकास सबके हो रहा है, सबको दिमाग का उपयोग कर रहा है बहुत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जिस अंग का प्रयोग हम लोग करेंगे वो अंग विकसित होगा, जिसका प्रयोग नहीं करेंगे वो विकसित नहीं होगा, धीरे धीरे अगला जनरेशन में लुप्त हो जाएगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है पूँछ। हम लोग पूँछ का उपयोग नहीं किए, पूँछ गायब हो गया, लेकिन पूँछ वाला घाट अभी भी आदमी के शरीर में है पीछे। तो ये कह रहा है कि जिस अंग का प्रयोग हम लोग करते हैं सक्रिय रहता है, जो नहीं करते हैं निष्क्रिय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लैमार्क के अनुसार सर्पों के पूर्वज में टांगे विकसित थी। जो सांप के पूर्वज था सब, उस समय टांग था। अभी के समय में तो हम लोग सांप में तो टांग नहीं दिखाई देता, लेकिन ये टांगे बिल में घुसते समय और झाड़ियों से गुजरते समय रुकावट पैदा करती थी, जिससे सर्पों ने इन टांगों का उपयोग करना कम कर दिया, जिससे इनकी टांगे छोटी होती गई और वंशागत होते ये टांगे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कि सांप के भी टांग हुआ करता था, और वो टांग जिसे उपयोग झाड़ी में चलते समय और बिल में घुसते समय बाधा बनता था, तो ये सब उसका उपयोग कम किया। धीरे धीरे सांप में आज देखिए टांग विलुप्त हो गया, सांप अब इसी खाली सोसरते रहता है सब, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लैमार्कवादी सब है अभी, ठीक ना। फिर देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षण कहने का मतलब कि हम लोग जिस अंग का प्रयोग करते हैं वो अंग विकसित हो जाता है, और अगला जनरेशन में वही अंग विकसित अंग जो है फिर उसमें भी और विकसित हो जाता है। और ये कहा कि ये लक्षण जिसे वंशागत होता है, वंशागत कहने का मतलब ना कि जैसे हम जैसे अपना दिमाग के प्रयोग किए हम बुद्धिमान हुए, तो इसका कहना है कि हमारा जो अगला बाल बच्चा होगा वह बुद्धिमान होगा। लेकिन एक वैज्ञानिक आए जो इस कथन को सिद्ध कर दिए कि गलत है, ऐसा होबे नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ लिख के विद्वान हो गए, तो जरूरी थोड़ी है कि हमारे बाल बच्चा अगला जनरेशन में हमरो से ज़्यादा विद्वान होगा या विद्वान होगा, अगर कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब कि उपार्जित लक्षण जो वंशानुगत नहीं होता है, इसको एगो व्यथि है, 22 मान का प्रयोग है, 22 बार चूहा के काटता है पूँछ है, 22 बार उग जाता है। देखिए लैमार्कवाद की आलोचना कैसे हुआ है। देखिए जर्मन बीज मान ने लगभग 20 से 22 बार पीढ़ियों तक नवजात चूहों के पूँछ काटती रही, फिर भी नई संतानों में पूँछ की समाप्ति नहीं हुई, तथा हम मनुष्य जीवन भर दाढ़ी बढ़ा रहकर दाढ़ी विकसित विहीन पुत्र पैदा नहीं कर सकते हैं, तथा सदियों से भारतीय नारियों में नाक तथा कान छेदते चले आते हैं, लेकिन यह लक्षण वंशानुगत नहीं होता है। देखिए 22 मान जो था बीज मान जिसका कहा है, इसको 22 मान भी कहा जाता है, बीज मान जो है इसको सिद्ध कर दिया कि उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होता है। कहने का मतलब कि यदि हम बुद्धिमान होगा तो हमारे बाल बच्चे थोड़ी बुद्धिमान होगा, या मान लीजिए कि हम नाक कान छेदवा के घूम रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे बाल बच्चा होगा तो नाक कान छेदले होगा, क्योंकि भारतीय महिला में ये मान लीजिए कि हम जिंदगी भर से दाढ़ी बना के दम घूम रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे बाल बच्चा होगा तो ओकरो दम दाढ़ी है पैसे पैदा होगा। पंजाबी लोग अपना ऐसे मुरेठा बना के घूमते हैं तो एक मतलब का ऐसे बाल बना के कि वो ऐसे ही उनके पैदा होगा कि बनता है। तो जिसे सिद्ध कर दिए चूहा लिए आ चूहा के पोंछी काट दिए, ओकर बाल बच्चा जन्म लिया, फिर ओकरो पूँछ काट दिए, फिर ओकर बाल बच्चा जन्म लिया तो ओकरो पूँछ काट दिए। तो देखिए कि हर बार जो अगला जनरेशन में चूहा जन्म ले रहा था ओकर पूँछ उग जा रहा था। जैसे पहला एगो चूहा चूहिया दोनों के पूँछ काट दिया गया, ओकर बाल बच्चा हुआ तो देखें कि सबके पूँछ है, तो फिर उ सबके भी पूँछ काट दिए, तो फिर ओकर बाल बच्चा हुआ तो वो सबके पूँछ था तो फिर ओकरो पूँछ काट दिए। ऐसी करके 20 से 22 बार ये प्रयोग किए। आई कहे हैं लैमार्क बात के कि ये लैमार्क तो गलती है, तू तो कहा था कि उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत होता है, देखो तुम 20 से 22 बार चूहा के पूँछ काटे, हर बार अगला जनरेशन में क्या हो रहा था पूँछ उग जा रहा था। भारतीय महिला लोग पूरा कान नाक छेदवेले रहती, लोग बाल बच्चे पैदा होते कान नाक कान छेदा जाता है,
पुरुष जीवन भर दाढ़ी बढ़ा के रखे तो ऐसा थोड़ी है, अगर बाल बच्चा होगा तो अगर दाढ़ी होगा। तो इनकर जो सिद्धांत था वो खंडन हो गया कि जो उपार्जित लक्षण होता है यानी कि हम लोग जीवन में जो अपना ग्रहण करते हैं परिवर्तन के दौरान, तो वो अगला जेनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ऐसे होता तो हम लोग पढ़ लिख के बुद्धिमान हो जाते हैं, हम लोग के बाल बच्चे जन्मे से बुद्धिमान हो जाता, लेकिन ऐसे होता है? देखते ना, सबसे ज़्यादा लफंदर केकर बाल बच्चा निकलता है, सबसे ज़्यादा लफंदर बाल बच्चा मास्टर और डॉक्टर के निकलता है। मास्टर इतना विद्वान होता है सब, और बाल बच्चा सबसे बड़का लफुआ होता है, डॉक्टरों के पूरा सबके इलाज करे में ये सब लफंदर। मास्टर, डॉक्टर, पुलिस, ये सब तीन गो के बाल बच्चा एकदम लफंदर निकलता है। पता नहीं का है, हमको मालूम है कि का है, कैसे कि मास्टर, डॉक्टर, पुलिस ये सब दूसरा की सेवा में लगा रहता है। जैसे मान ली कि टीचर है तो वो तो दूसरे के बाल बच्चे के पढ़ावे में अपन पूरा ज़िंदगी लगा देता है, अपन बाल बच्चे पर ध्यान नहीं देता है, परिणाम स्वरूप बिगड़ जाता है। डॉक्टर में भी वही हाल है, डॉक्टर दिन रात दूसरा के सेवा करने में लगा रहता है, अपन बाल बच्चे पर ध्यान नहीं देता है, बाल बच्चे बिगड़ गया। पुलिस के भी वही हाल है, पुलिसों दिन रात अपना दूसरा के सुधारे में लगल है जो एरिया में ड्यूटी मिलल है, और ओकरे बाल बच्चे बिगड़ गया। तो ये सब बिगड़ता कहा है तो समय नहीं देने कारण। जो डॉक्टर, मास्टर, पुलिस अपन बाल बच्चे को समय नहीं दिया, ओकर बाल बच्चे बिगड़ना दम तय है। तो ये समझ गया कैसे खंडन हो गया एकर उपार्जित लक्षणों के वंशागति। अब देखिए नौ लय मार्कवाद है। नौ लय मार्कवाद क्या है भाई? कि इस सिद्धांत के अनुसार वातावरणीय प्रभाव से शरीर में भौतिक रासायनिक प्रभाव होते गया और विभिन्न प्रकार की उपार्जित भिन्नताएँ आती गई। जैसे वातावरण के प्रभाव से हम लोग के शरीर में बहुत प्रकार के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता गया और ये वाला एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता गया। तो इसी से आपका जैसे देख रहे हैं हम लोग के चिंपांजी से इतना ज़्यादा समानता है, लेकिन फिर भी हम लोग चिंपांजी से मिलते जुलते नहीं हैं नाक मुँह में। अब देखिए डार्विनवाद आया। डार्विनवाद क्या कह रहा है भाई? जैव विकास परिकल्पना का दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। यह विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में विश्व भ्रमण के लिए गए तथा उन्होंने अनेक द्वीप महाद्वीप का सर्वेक्षण किया, जिसके बाद डार्विन ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की तथा उसके प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया गया। उनकी बहुत चर्चित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे डार्विनवाद का जो प्राकृतिकवाद है, जैसे इनका आगे चल के सिद्धांत अपना देते हैं कि जैसे प्रत्येक जीव जन्म लेता है धरती पर तो संघर्ष करता है और संघर्ष के दौरान जो जीव सबसे उत्तम गुण वाला होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण वाला है, प्रकृति उसी को चुनता है और उसको इजाज़त देता है कि अपना अनुवांशिक गुण को आगे क्या करे, बढ़ाएँ। इनका कहना है कि जैसे धरती पर दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसे भोजन की कमी हो जाएगी, रहने के लिए आवास की कमी हो जाएगी, तो आदमी में लड़ाई छिड़ जाएगा, जंग छिड़ जाएगा। तो भाई एकरा में जीतेगा कौन? तो जीतेगा वही जो सर्वश्रेष्ठ गुण वाला होगा। सर्वश्रेष्ठ गुण वाला होगा इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो सबसे अच्छा आदमी होगा। सर्वश्रेष्ठ गुण वाला जो सबके मार काट के अपने लिए क्या हो, बच जाए, तो वही सर्वश्रेष्ठ गुण वाला मान रहा जाएगा। चाहे चाहे जितना वो खतरनाक हो जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, और उसी को प्रकृति जो है शरण देगी और प्रकृति में वही अपना वंश आगे बढ़ाएगा। अभी के समय में देख रहे हैं ना कितना लूट मार बढ़ गया है, छीन छोरी बढ़ गया है, चोरी बढ़ गया है। ये बात सही है कि अब प्रकृति में वही जी सकता है। डार्विन का कहना है कि प्रकृति में जैसे जीव की संख्या दिन पर दिन बढ़ रहा है और प्रकृति में संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है, ये सब आपस में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगा, और जो सबसे उत्तम गुण वाला होगा वही जीव यहाँ पर ही बचेगा, बाकी सबका स्वाहा। इसीलिए देखते हैं धरती पर बार बार युद्ध होता है और जो सबसे उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, वो बच जाता है और बाकी सब मरा जाता है। देखिए इसमें पहला आपका डार्विनवाद की व्याख्या है कि जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति करने की क्षमता, जैसे प्रत्येक जीव में ये क्षमता है कि वो अधिक से अधिक संतान को जन्म दे सकता है। और वो तो हम लोग पुरुष में जैसे मानव में समझदार हो गए, सब मानव में समझदार हो गया, सब नसबंदी वो चल गया कि नसबंदी कर लीजिए, संतान मत बढ़ाइए। नहीं तो प्रत्येक जीव को छोड़ दिया जाए जन्म देने के लिए तो धरती पर इतना जीव जन्म लेगा कि रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगा,
फिर अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी। वास्तव में प्रत्येक जीव अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लड़ता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ लिख रहे हैं, आप बड़ा हो गए, आप खाली विवाह मत कीजिए, देखिए आपके घर के आदमी आपको कितना तंग करता है। आ खास करके आप घर में इकलौता रहिएगा माई बाबू की, इतना तंग करेगा सर कि थोड़ा ब्याह करे पड़ते हो। तो हम कहेंगे कि नहीं, हमें ब्याह नहीं करना, हमारा ब्रह्मचारी बनना है। तो देखिए फिर घर कितना संग्राम होता है, कहेगा सर घर से भाग, ब्याह नहीं करबे तो का है, कैसे उसको डर है कि यदि ब्याह नहीं करेगा तो हमारा पोता पोती खिलावला ही नहीं मिलेगा, आ यही आखिरी संतान है, ये ब्याह नहीं करेगा तो हमारा वंश नहीं बढ़ेगा, हमारा अस्तित्व ये से का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो धरती पर हर जीव को अपना अस्तित्व का खतरा है। हम लोग ब्याह कहले करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए। अब धरती पर हर जीव जनन की प्रक्रिया इसीलिए अपनाती है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे जैसा हमारा संतान क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो इस धरती पर केवल किसका लड़ाई है, तो धरती पर केवल एक ही चीज़ का लड़ाई है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव संघर्ष कर रहा है। जिसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लिख रहे हैं कि नौकरी होगा, नौकरी होगा तो ब्याह शादी होगा, ब्याह शादी होगा तो बाल बच्चा होगा, तो आप कहा पढ़ लिख रहे हैं, चुपचाप जंगल में चल देने, जंगल में सब खाए पिए की व्यवस्था है, ये है खाए पिए की व्यवस्था है, सब व्यवस्था मिलेगा, ब्याह करना जरूरी थोड़ी है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर है कि हमारा अस्तित्व हम मर जाएंगे, हमारा बाद हमार संतान अभी नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, पढ़ाई लिखाई फलना चिलना जो भी है, और नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब बात नहीं है, ताजे से जंगल में रवाना हो जाइए, ठीक ना, आओ जे रहिए आराम से, खाइए पिए, कोई से फिजिकल रिलेशन मत आइएगा, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इनका कहना है कि जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, सभी जीव में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति की अपार क्षमता पाई जाती है, तथा प्रकृति में प्रत्येक जाति किसे लगभग निश्चित बनी रहती है। जैसे हर जीव में ये क्षमता है कि वो अधिक से अधिक जीव को उत्पन्न कर सके, और इसी कारण से प्रत्येक जीव का अस्तित्व धरती पर बना हुआ है, ठीक है। तो धरती पर लड़ाई किसका है दोस्त, केवल अस्तित्व का है। लेकिन जनसंख्या बढ़ेगा तो संतुलन बिगड़ेगा, संघर्ष छिट जाएगा। अब देखिए आबादी की संख्या में संतुलन, इतनी बड़ी संख्या में संतान उत्पत्ति के बाद भी प्रत्येक जाति लगभग स्थिर है, क्योंकि इनके बीच हमेशा संतुलन बना रहता है। क्योंकि जीव मर रहा है, जीव जन्म ले रहा है, जीव मर रहा है, जीव जन्म ले रहा है, खाली जन्म लेता मरबे नहीं करता, तो धरती पर तो रह लगी जगह नहीं पड़ता, पैरों रखे लगी सोचे पड़ता। तो इतना जीव धरती पर जन्म ले रहा है, मर रहा है, संतुलन जो है बनल है, प्रकृति अपना संतुलन बना के रख ले है। तो वही कह रहा है कि आबादी की संख्या में संतुलन, क्योंकि जितने जीव जन्म ले रहा है उतने जीव मर भी रहा है, संतुलन धरती पर बना हुआ है। जब संतुलन धरती पर बिगड़ता है तब प्रकृति अपना कुछ ऐसा करिश्मा दिखाती है, प्रकृति घटनाएं जन्मे करते हैं, एक से एक बीमारी लॉन्च होता है जिसको पकड़ के आदमी निकल जाता है अधिकांश, एक से एक वायरस बैक्टीरिया फैलता है वातावरण में। तो ये धरती पर जो संतुलन बनाने वाला काम है ना, वो प्रकृति का काम है। प्रकृति में जहाँ संतुलन बिगड़ा, कोई की संख्या ज़्यादा बेसी हो कम बेसी हुआ, प्रकृति झट से कोई एगो भूकंप लॉन्च कर देगी, अधिकांश पकड़ के निकल लेगा सर, कहीं ज्वालामुखी फूट गया अधिकांश कहानी खत्म, कोरोना वायरस जैसे कोई वायरस लॉन्च हो गया कहानी खत्म। प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, कहीं समुंदर से ज्वालामुखी सुनामी निकल गया, सुनामी निकला भूकंप, जैसे समुंदर में भूकंप आता है ना तो जल स्तर ऊपर उठ जाता है, या भूकंप या अंदर में समुंदर के अंदर ज्वालामुखी फूटता है तो जल स्तर अचानक ऊपर उठ जाता है, तो वही सुनामी आता है। तो प्रकृति हर हाल में अपना संतुलन बना के रखती है। जहाँ प्रकृति को लगा कि हमारा संतुलन बिगड़ रहा है, एगो भूकंप लॉन्च कर देगी, जाओ सब ने पकड़ के भूकंप चल जाओ सब। अब देखिए जीवन के संघर्ष, क्योंकि धरती पर संतान उत्पन्न करने की प्रत्येक जीव में क्षमता ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा होगा संघर्ष छिट जाएगा, मारा पीटी। संतान के उत्पन्न होने के कारण संतानों के मध्य विकास, सुरक्षा, भोजन तथा उचित वातावरण के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सुविधा और संसाधन सीमित है और इसे ही संघर्ष कहा जाता है। जैसे धरती पर रहने के लिए देखिए भोजन भी सीमित है, खाने के लिए रहने के लिए आवास भी सीमित है। अब प्रत्येक जीव को चाहिए रहने खाने के लिए भोजन, रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन। इसके लिए धरती पर जीवों में संघर्ष छिट जाएगा। संघर्ष छिरेगा तो भाई बचेगा कौन, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण वाला होगा, सबके मार के अकेले राज करेगा। ये तो होते आ रहा है, इतिहास गवाह है,
कितना युद्ध हुआ, कितना बार आदमी मरा, तो ये सब कौन करवाता है? ये सब प्रकृति करवाता है। धरती पर युद्ध है, भूकंप है, सुनामी है, प्रकृति अपने आप संतुलन बना के रखती है। प्रकृति अद्भुत है, ठीक ना, इसलिए चलना है तो प्रकृति के नियम चलिए, बड़ा सगास नियम है। तो ये कह रहा है कि संतान उत्पन्न कारण के संतान के मध्य जो है विकास और सुरक्षा, भोजन और उचित वातावरण के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सुविधा और संसाधन सीमित है। इसे ही जीवन संघर्ष कहा जाता है, जीतना रहने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है। अब देखिए यह तीन प्रकार के होता है, कौन कौन है? स्वजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। अब तीनों के बारे में लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला देखिए हमारा है कि बदलते वातावरण के प्रति अनुकूल, जैसे देखें ना, बताया नहीं कि ध्रुवीय भालू, तो ध्रुवीय भालू जो रहता है जहाँ पर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के, वहाँ पर बहुत ठंडा गिरता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लिया है। शरीर पर अगर बहुत सारा बाल उग गया है, बच गया ठंडा से, हम लोग जाएंगे तो उतले में मर जाएंगे, हड्डी गल जाएगा लगता है ठंडा से। तो बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, जिस जीव में अनुकूलन की क्षमता नहीं होगी उस जीव का समापन सबसे पहले धरती पर होगा। तो किसी भी स्थान का वातावरण स्थिर ना होकर हमेशा परिवर्तित होते रहता है। उस वातावरण में रहने के लिए जीवों को भौतिक वातावरण का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो वातावरण के अनुरूप बदलते हैं वे जीवित रहते हैं, और जो नहीं बदल पाते हैं नष्ट हो जाता है। जैसे कैसे अभी गर्मी से ठंडा के दिन आ रहा है, तो गर्मी से ठंडा के दिन आ रहा है तो बीच में देखिएगा ढेर आदमी बीमार पड़ता है। तो बीमार कौन पड़ता है? तो जिसमें अनुकूलन क्षमता कम होता है। जैसे मौसम बदल रहा है तो मौसम के अनुसार शरीर को भी बदलना चाहिए। तो हम लोग में ज़बरदस्त अनुकूलन क्षमता है, मौसम बदलता है, हम लोग मौसम के अनुसार शरीर क्या होता है, बदल जाता है। उसी में जो आदमी नहीं बदल पाता है मौसम के अनुसार, वो बीमार पड़ जाता है, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। तो हम लोग दवाई खाते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं। तो देखिएगा जब भी मौसम बदलता है तो आदमी के सर्दी खांसी बुखार होता है, तो डॉक्टर हमेशा 3-4 दिन के दवाई देता है कि एक 4 दिन खाइएगा, ठीक हो जाएगा तैयो खाइएगा। काहे कहा कि अभी मौसम बदल रहा है तो आपका शरीर वातावरण के अनुसार अनुकूलित नहीं हुआ है, बीच में दवाई छोड़ दीजिएगा फिर बीमार पड़ जाइएगा। ऐसे एक बार मौसम बदल रहा था, हम तबीयत खराब हो गया, और क्लास लेवे की आदत, हम सुई दिला के ठीक हो गए, आ एक दिन में ठीक हो गए, और वो डॉक्टर हमको दवाई दिया था, कहा था कि 4 दिन खाइएगा लगातार, हम एक दिन में ठीक हो गए। तो हमारा तो लगा कि हम ठीक हो गए, तो हम दवाई खा लिए, बंद कर दिए। 10 दिन तक ले अंदर से तबीयत खराब था, खाली बाहर से छूला पर शरीर ठंडा लगता था, हम इस बात पर ध्यान दिए नहीं। तो प्रत्येक जीव में जैसे अनुकूलन की क्षमता होता है, जो वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो गया वो बचल रहेगा धरती पर, जो अनुकूलित नहीं हुआ प्रकृति उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो जिंदा रहना है तो पहले वातावरण के अनुसार क्या होइए, अनुकूलित होना सीखिए। नहीं अनुकूलित होइएगा वातावरण के अनुसार, प्रकृति आपको कहेगा कि चल हट यहाँ से, साइड होगा साइड होगा, कह ली तो ये रहा है, हम मौसम बदले तू अपने आप को बदलवे नहीं किया, चलो साइड होगा, दूसरा कोई क्या आवे दो जो बदलेगा। तो ये सब भाई प्रकृति के नियम हैं। फिर है नई जाति की उत्पत्ति, धरती पर नई जाति की उत्पत्ति कैसे होता है? तो डार्विन के अनुसार जीवों में विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती है, इसलिए जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मौसम बदला, मौसम बदला तो हम में जैसे कुछ परिवर्तन आया, तो वो विभिन्नता जो हम में आया वो अगला जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर उसके जीवन काल में जो विभिन्नता आएगी उसके शरीर में वो अगला में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी हम लोग अपने जाति से क्या होते चले जाते हैं, धीरे धीरे भिन्न होते चले जाते हैं। हम लोग चिंपैंजी से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी के समय में देखिए नहीं मिलते जुलते हैं, क्योंकि विभिन्नता हम लोग के शरीर में संग्रहित होता है, अगला जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है जनन के माध्यम से, फिर अगला में वो अपने जीवन में संघर्ष करेगा, विभिन्नता आएगा, फिर ट्रांसफर होते चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने ही प्रजाति से क्या हो जाते हैं, आने वाले समय में भिन्न हो जाते हैं, नए जाति दिखने लगते हैं। फिर आपका है देखिए डार्विनवाद की आलोचना, डार्विनवाद की आलोचना कौन किया है भाई, जानते हैं? सर रिचर्ड ओवन प्रमुख आलोचक थे, उन्होंने निम्नलिखित आलोचना प्रस्तुत किया है डार्विन। पहला है कि डार्विन वाद ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति और उनके कारण पर कोई प्रकाश नहीं डाला। डार्विन वाद के जो विभिन्नता की उत्पत्ति और उनके कारण था उसके बारे में कोई विशेष बात बताइए नहीं किए कि कैसे कैसे काम करता है। फिर है कि डार्विन के अंग के प्रयोग अनुप्रयोग एवं अवशेषी अंग की व्याख्या नहीं की है। ये तो कुछ बताइए नहीं किए कि अवशेषी अंग जो प्रयोग नहीं करें गायब हो जाएगा कि नहीं। ये खाली क्या कहें कि उपार्जित जो थे हम लोग के मौसम परिवर्तन कारण जो विभिन्नता संग्रहित होता है
अगला जनरेशन में ट्रांसफर होते चल जाता है। और फिर है कि डार्विन ने जलीय जीवों के स्थलीय जीवों में विकास को स्पष्ट नहीं किए, जैसे बहुत सारा ऐसा जलीय जीव है जो धीरे धीरे स्थल पर आकर रहने लगा, वातावरण को ओकरा प्रभाव पड़ा, ओकरा शरीर में परिवर्तन हो गया। तो जो जलीय जीव था जिसका परिवर्तन धीरे धीरे स्थलीय जीव में हो गया उसके बारे में डार्विन कुछ विशेष बताइए नहीं किए। तो आवे वाला समय में वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि कैसे जीव जो धरती पर रहना शुरू कर दिया सब, क्योंकि जीव का प्रारंभिक विकास कहाँ हुआ था, जल के अंदर हुआ था, ठीक ना। इसीलिए देखिए हम लोग के शरीर के अंदर में कितना जल है, 71% 71% लगभग हम लोग का जल है। वो बात के प्रमाण देता है आपका कि हम लोग का प्रारंभिक विकास कहाँ पर हुआ है, जल में हुआ है। तब भी तो हम लोग के कोशिकाओं में इतना ज़्यादा जल है, इतना ज़्यादा हम लोग शरीर में जल है। फिर किसी भी मामलों में अत्यधिक विशिष्टीकरण होने से वह जाति विलुप्त के कगार पर पहुँच जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग मनुष्य हैं, धीरे धीरे हम लोग के बहुत ज़्यादा गुण में विभिन्नता चल जाएगा तो हम लोग अपने से भिन्न देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सब चलिए इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही था। तो फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालकों।